हेलो फ्रेंड, पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमेंट ऑफ पाइथन। पाइथन प्रोग्रामिंग की क्या क्या एलिमेंट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में कि डेटा टाइप्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है। उसके बाद ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑपरेटर्स के बाद हम कंट्रोल फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लाइब्रेरी एंड मॉड्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पाइथन के क्या है, एलिमेंट्स है, बेसिक एलिमेंट्स है। सो इन सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो बिना देर किए जल्दी से हम चलते हैं अपनी वीडियो में। तो यहां पे अगर बात करें वेरिएबल्स की, कह रहा है कि हियर आर एलिमेंट्स, तो हियर कह रहा है कि हियर आर द सम की एलिमेंट्स ऑफ पाइथन एक्सप्लेन। ठीक है, यहां पे कुछ पाइथन के एलिमेंट्स के बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस किए। तो वेरिएबल्स क्या होती है? वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर दैट स्टोर वैल्यू। वेरिएबल क्या होते हैं? एक तरह का कंटेनर होता है जो क्या करता है, किसी भी वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हमने हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, a इज इक्वल टू 3 हमने रखा, तो 3 क्या हमारा, a क्या है, यहाँ पे एक तरह का वेरिएबल है जो क्या कर रहा है, 3 को स्टोर करने का काम कर रहा है। तो वेरिएबल एक तरह का कंटेनर होता है जो किसी भी वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, इन पाइथन यू कैन क्रिएट ए वेरिएबल एंड असाइन ए वैल्यू टू इट यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके क्या पाइथन के अंदर किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे डिस्कस कर ले, फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कि नेम इज इक्वल टू जॉन। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि नेम एक तरह का वेरिएबल है जिसको, जो भी नाम है उसका, हमने उसको क्या किया, वैल्यू असाइन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद कह रहा है कि वेरिएबल अलाउड टू स्टोर द मेन्यू, कह रहा है कि वेरिएबल अलाउ यू स्टोर एंड मैनुपुलेट डेटा इन योर प्रोग्राम। ठीक है, वेरिएबल अलाउ करता है कि आप अपने जो भी आपका वेरिएबल है, आप उसकी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मैनुपुलेट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होते हैं? डेटा टाइप रिप्रेजेंट द काइंड्स ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा टाइप क्या करता है कि जितने तरह के डेटा होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूज किया जाता है। ठीक है, ए वेरिएबल कैन होल्ड, ठीक है, पाइथन हैड सर्वरल बिल्ड इन डेटा टाइप इंक्लूडिंग। ठीक है, पाइथन के बाद कुछ सर्वरल डेटा टाइप है जिसका यूज हम करते हैं किसी भी डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग क्या करता है कि यूज टू स्टोर, ठीक है, टेक्स्ट और कैरेक्टर्स सच एज ए हेलो या पाइथन। जैसे क्या हो गया कि स्ट्रिंग क्या होता है, जैसे एक तरह का हेलो क्या हो गया, एक तरह की स्ट्रिंग हो गई। तो स्ट्रिंग क्या करता है, जो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है वो स्ट्रिंग को कंटेंट करने या स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, टेक्स्ट और कैरेक्टर्स को। उसके बाद नंबर्स आता है, जो नंबर्स होता है स्टोर करता है न्यूमेरिक वैल्यू को। न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है, जैसे हमारा इंटीजर हो गया, फ्लोट पॉइंट हो गया, इन सारी चीजों को हम नंबर्स के अंदर स्टोर करते हैं। उसके बाद हमारा बुलियंस आता है। बुलियंस क्या करता है कि रिप्रेजेंट करता है ट्रू और फॉल्स की कंडीशंस को, और ये स्टोर करता है क्या, ट्रू और फॉल्स को। ठीक है, उसके बाद लिस्ट आती है। लिस्ट क्या करती है कि स्टोर करती है मल्टीपल वैल्यू इन एन ऑर्डर सीक्वेंस। ठीक है, तो अब लिस्ट होती है, जैसे हम क्या कहते हैं मार्केट जाते हैं तो कुछ लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्ट में क्या होता है कि एक ऑर्डर के थ्रू हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स को लिखते जाते हैं, तो उसी तरह से वही लिस्ट यहाँ पे होगी होगी। उसके बाद डिक्शनरी हो गया, डिक्शनरीज के अंदर क्या करते हैं कि यूज टू स्टोर की वैल्यू पेयर। ठीक है, उसके पेयर के साथ रखा जाता है, एंड कह रहा है कि एसोसिएटेड विथ यूनिक की, हर एक वैल्यू की क्या होती है, एक अपनी यूनिक की होती है, और डिक्शनरी हो गई। उसके बाद टपल्स होता है। टपल्स क्या होता है कि सिमिलर जस्ट लाइक लिस्ट होता है। ठीक है, बट दियर एलिमेंट कैन नॉट बी मॉडिफाइड वंस क्रिएटेड। मतलब क्या कहता है कि टपल्स के अंदर क्या कहते हैं, हम वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन टपल्स के अंदर अगर एक बार वैल्यू हमने क्रिएट कर दी तो वहां पे मॉडिफाई नहीं कर सकते। इन सारी चीजों के बारे में अभी हम बहुत ज्यादा डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी एक ओवरव्यू है, आप ओवरव्यू देख लीजिए कि डेटा टाइप क्या क्या होते हैं पाइथन के अंदर। उसके बाद ऑपरेटर की बात करें तो ऑपरेटर क्या होता है कि दो ऑपरेंड्स के बीच, ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म जो करता है उसको हम ऑपरेटर करते हैं। जैसे अगर हम बात करें a प्लस बी हो गया, तो a प्लस बी क्या हो गया, a और b हमारा क्या है, दो ऑपरेंड्स है, जो प्लस हमारा क्या है, वो ऑपरेटर है, a और b के ऊपर मतलब एडिशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। अब
ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं, बहुत सारे तरह के होते हैं। कुछ मेजर के बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। सच है जो हमारा क्या हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिविजन हो गया, ये सारे हमारे क्या आते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर आते हैं। उसके बाद कंपेरिजन ऑपरेटर होते हैं। कंपेरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं, जो दो वैल्यू को कंपेयर करने का काम करते हैं उसको हम कंपेरिजन ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे सच है जो इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ये सारे क्या कंपेरिजन ऑपरेटर होते हैं। उसके बाद हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है कि कंबाइन करता है मल्टीपल कंडीशन एंड इवेल्युएट देम सच एज एंड और नॉट। ठीक है, जो एंड ऑपरेटर होता है, नॉट ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है, इन सबको लॉजिकल ऑपरेटर हम बोलते हैं। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल को जब हम वैल्यू को असाइन करते हैं तो उसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो गया कि असाइनमेंट हो गया, प्लस एंड असाइनमेंट, माइनस असाइनमेंट हो गया, ठीक है, इक्वल टू हो गया यहाँ पे, ठीक है, इसको असाइनमेंट ही बोलते हैं। जो इक्वल होता है इसका मतलब होता है किसी वैल्यू को असाइन करना। जब डबल साइन होगा इक्वल टू, तब क्या होता है कि ए जो है 3 के बराबर है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल फ्लो आता है। कंट्रोल फ्लो की अगर हम बात करें, कंट्रोल फ्लो अलाउ करता है कि यू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम, ठीक है, अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल करो। एंड कॉमन कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर इंक्लूड, यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, जैसे इफ एल्स हो गया, यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन, कुछ कंडीशन होती हैं उसके बेस पे हम क्या करते हैं, ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। जैसे सच है जे बात कर ले, अगर ऐसा हो तो ए परफॉर्म करो, अगर ऐसा नहीं हो तो ए वाला प्रोग्राम चलना चाहिए, सपोज दैट, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम कंट्रोल फ्लो कहते हैं। उसी तरह लूप होता है, फॉर एंड व्हाइल लूप हो गया, अलाउ टू रिपीट एक कोड ऑफ ब्लॉक मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो क्या करता है लूप के अंदर, क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करने का काम करता है फॉर एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए, जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। उसके बाद क्या कर रहा है, ब्रेक एंड कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। ब्रेक एंड कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट में क्या होता है, कंट्रोल फ्लो दैट अंडर द नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप, ठीक है, कोई लूप कब चले, कब ब्रेक हो जाए, इन सारी चीजों को डिफाइन करता है। उसके बाद हमारा आता है फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन क्या होता है कि एक तरह एक लाइन ऑफ कोड होता है, या कर सकते हैं ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क। जैसे हमें क्या करना है कि अगर हमें दो नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, दो नंबर्स को ऐड करना है, तो हमने एक फंक्शन बनाया ऐड ए और बी के नाम से, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक वेरिएबल सी बनाया और ए और बी की वैल्यू को हमने असाइन कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया जो भी वैल्यू आती है सी को उसको, ठीक है। तो हमारा एक तरह का क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, जो ऐड नाम का फंक्शन है, ये क्या वर्क कर रहा है, दो नंबर्स को ऐड करने का काम कर रहा है। अब हमें क्या होगा कि जब जब हमें दो नंबर्स को ऐड करना होगा तो हम बस ऐड लिखेंगे और वो ऑपरेशन, ये जितना भी कोड है तुरंत वहां पे इस पूरा काम क्या होगा, पूरा कोड क्या करेगा, वर्क अपना कर देगा। तो फंक्शन का यूज इसीलिए क्या किया जाता है, किसी भी कोड को रीयूज करने के लिए, ठीक है। ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि दे हेल्प ऑर्गेनाइज कोड एंड मेक इट पॉपुलर मॉड्यूलर, ठीक है। यू कैन डिफाइन योर ओन फंक्शंस, ठीक है, हम अपना खुद का भी फंक्शन बना सकते हैं, और पाइथन यूजिंग द डेफ कीवर्ड, ठीक है, और पाइथन का भी बनाया हुआ बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसका हम यूज करते हैं। अब उसके बाद लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स आते हैं। तो लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स क्या होते हैं, पाइथन प्रोवाइड करता है लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स को जो कंटेन करते हैं प्री रिटन कोड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अब पाइथन के अंदर कुछ लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल है जो क्या करते हैं, जिसके अंदर पहले से कोड लिखा हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर पहले से कोड लिखा हुआ है। दीज लाइब्रेरीज सेव द टाइम एंड एफर्ट, ठीक है, By providing ready to use function and classes। तो हम उसके हेल्प से क्या करते हैं कि रेडी रहते हैं, फंक्शन का यूज करेंगे, क्लास का यूज करेंगे, और अपने टाइम को सेव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, मैथ मॉड्यूल हो गया जो मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम मैथ फंक्शन मॉड्यूल्स को कॉल करते हैं तो वहाँ पे जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम परफॉर्म करेंगे वो सारी चीजें करता है। उसी तरह से क्या हमारा डेट एंड टाइम का मॉड्यूल्स होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, इनकी कोड ऑलरेडी पहले से लिखे होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक फंक्शन की, जैसे प्रिंट फंक्शन है, ठीक है, प्रिंट फंक्शन है, जब हम प्रिंट लिखते हैं तो वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाती है कंसोल के ऊपर। तो क्या प्रिंट
हमने तो प्रिंट बस लिखा। तो जो प्रिंट एक तरह का फंक्शन है जिसका कोड ऑलरेडी कहां पे लिखा है, पाइथन लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल के अंदर लिखा है, जिसका हम यूज करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो यहां पे कह रहा है कि नोट दीज आर द जस्ट फ्यू ऑफ फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ पाइथन। तो ये कुछ ही फंडामेंटल एलिमेंट जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पाइथन के अंदर। अंडरस्टैंडिंग एंड यूटिलाइजिंग दीज एलिमेंट विल गिव यू द सॉलिड फाउंडेशन फॉर राइटिंग पाइथन प्रोग्राम एंड सॉल्व विजुअल प्रॉब्लम्स। ठीक है, वेरियस प्रॉब्लम, ठीक है, सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम। आप क्या कर सकते हैं, वेरियस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इन सारे एलिमेंट्स का यूज करके पाइथन के अंदर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एलिमेंट ऑफ पाइथन, पाइथन के क्या क्या एलिमेंट हैं। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइज़।